गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम घुमावदार और स्टिपलिंग शेडिंग के बारे में जानेंगे। घुमावदार शेडिंग में क्या होता है कि जिस तरीके से हम शेडिंग को इस तरीके से घुमा घुमा कर करते हैं उसको घुमावदार शेडिंग कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि घुमावदार शेडिंग हमें कहाँ कहाँ यूज़ होती है, हमें पेड़ों के पत्तों, झाड़ियों के गुच्छे या हम किसी कंक्रीट का ढेर बनाते हैं तब हमारा यहाँ यूज़ होता है। जैसे मान लो मैं एक शिमला मिर्च की ड्राइंग बनाती हूँ, मैंने इस तरीके से यहाँ शिमला मिर्च की ड्राइंग बनाई है और इस तरीके से मैंने उस शिमला मिर्च को ड्रॉ किया है लाइक दिस। तो इसमें हम देखो इस तरीके से घुमावदार शेडिंग करेंगे, ऐसे पेंसिल को यूं छल्लेदार घुमा घुमा के इस तरीके से शेडिंग करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से हम इसमें शेडिंग करेंगे पेंसिल को घुमा घुमा के। इसको बोलते हैं घुमावदार शेडिंग यानी स्क्रिबलिंग। इसी तरीके से इसकी शेडिंग भी घुमावदार ही करेंगे, यहाँ इसकी हल्की हल्की शेडो दिखा देंगे। इसको हम स्क्रिबलिंग बोलते हैं। आज हमने स्क्रिबलिंग के बारे में पढ़ा है, कल हम स्टेपलिंग के बारे में देखेंगे कि स्टेपलिंग में किस तरीके की शेडिंग यूज़ की जाती है, ठीक है बेटा।